एक्चुअली आई एम अ वेरी बिग म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर. म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करता हूँ बड़े बड़े में. माई नेम इज लिफ्टी. हाँ लिफ्टी. ठीक है, वो हॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो होते हैं ना, वो मैं डायरेक्ट नहीं करता, वहां से लिफ्ट करके यहाँ चेप देता हूँ. दिव्या जी, माई सेल्फ रवि दुबे एंड माई प्रोफाइल सर. नहीं आप इसको एक्ट समझो ही मत, आप एक्ट मत समझो, इसे ऑडिशन समझो आप मेरा. वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं जितने भी यहाँ पे गाने होते हैं ना बल्ली, वो सारे राइट्स इनके पास है, टी सीरीज के पास है. एक गाना हम नहीं बजा पाते, यहाँ डॉन की एंट्री करनी होती ना, बाबुल की दुआएं लेती जा पे एंट्री करते. मैं सच्ची बताऊं दिव्या जी, राइट्स वाला तो ऐसा आलम है ना, मैं सेट से निकलता हूँ ना, मेरा घर राइट साइड पे, मैं लेफ्ट लेके लंबा रास्ता लेके जाता हूँ क्योंकि राइट आपके पास है. अच्छा वैसे आज हमारे सेट पे म्यूट ब्रदर्स आए हैं, हर म्यूट और मन म्यूट हो जाए. मीत ब्रदर्स, म्यूट ब्रदर्स नहीं. हाँ मेरे को मालूम है मीत ब्रदर्स है, लेकिन आज म्यूट है. पूछ क्यों? क्योंकि इनके सारे गानों की राइट्स भी वहां है. अब बात करते हैं उस लड़की की जो इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने दम पे आगे बढ़ी है, उसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, और वो श्री राउतेला. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. अच्छा अब बल्ली हाथ होगा कैसे, लड़की इतनी लंबी है, किसी के बाप का हाथ पहुंचेगा वहां तक? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कमाल की टैलेंटेड है. देखो बास्केटबॉल नेशनल लेवल पे ये खेलती हैं, आईआईटी के एग्जाम इन्होंने दिए हैं, ब्यूटी पेजेंट की तो पूछो ही मत, मतलब इतने जीत के इन्होंने क्राउन अपने घर पे रखे हैं, क्या बताऊं. अच्छा हुआ एक्टर बन गई आप, वरना लोखंडवाला में मुकुट की दुकान खोल सकती थी. मुकुट की दुकान. खैर ये तो फिर भी रोजी रोटी कमा लेती है, मुझे लगता है पान की दुकान खोलनी पड़ेगी. पता नहीं मेरी असिस्टेंट कह रहे की वो आएगी तो बताएगी की हेलो. कहाँ रह गई थी आप वैसे? अब वो सर मैं सिग्नल पे अटक गई थी. सिग्नल पे? जी. क्यों, भीख मांगने वाला काम फिर शुरू कर दिया? वो क्या है ना कि अब मैं गुब्बारे बेचने लग गई हूँ. ओ गुब्बारे. क्या है ना, एडी की नौकरी से कितनी इनकम आती है ना. एनीवेज हम वीडियो एल्बम बना रहे ना, तो जरा काम की बात करें, बताइए आप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट की छोड़ो, मैं बड़ा एफिशिएंट डायरेक्टर हूँ. मैंने पूरा शॉर्ट ब्रेकडाउन कर लिया है. वीडियो की ओपनिंग हम करेंगे मलिष्का से. एक मिनट सर, आपने कहा था गाड़ी से ओपनिंग करेंगे मलिष्का. देखो ओपनिंग शॉट में वही गाड़ी मलिष्का को ठोक देगी. ठीक है ओके. उसके बाद ये मलिष्का स्लो मोशन में जब गिरेगी ना, उसके बाद खुशी के मारे पागल होके लड़कियां बिकिनी में नाचेंगी. So good, यार. आपके हर म्यूजिक एल्बम में बिकनी क्यों होती है सर? ये देखो, अगर वीडियो में बिकनी है तो वीडियो बिकनी बिकनी है. बहुत ही बढ़िया सर, पर वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है. छोटी सी प्रॉब्लम कौन सी? हीरोइन सर, हीरोइन. अरे हीरोइन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हीरोइन तो मैंने पहले ही सोच रखी है. कौन? मेनका सौतेला. क्यों से नाम हुआ? क्यों, उर्वशी राउतेला हो सकती है, मेनका सौतेला नहीं हो सकती. पॉइंट है सर. मैं अभी फोन करके बात कर लेती. कर लो फोन पे बात. हेलो सर, हीरोइन तो कह रही है कि वो बिकनी नहीं पहनेगी. सर देखो, मेरी मानो तो ये लड़की बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, और ये बिकनी विकनी का चक्कर छोड़ो, हमें काम करते हैं, ओल्ड सिनेमा का मैजिक लाते हैं, कोई सुंदर सी हीरोइन ढूंढते हैं जिसमें श्रीदेवी माधुरी टाइप ब्यूटी हो, साड़ी पहना के ऐसे 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 खेतों में ले जाएंगे. मैजिक मैजिक क्रिएट हो जाएगा. हाँ लो भाई, मुझे मेरी पिक्चर की हीरोइन मिल गई. यहाँ है वो, यही है मेरे वीडियो की हीरोइन. एक मिनट सर, ये तो उर्वशी रौतेला की मम्मी है. ये उर्वशी रौतेला की मम्मी है, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन आज मुझे एक और बात मालूम हो गई. क्या? कि उर्वशी रौतेला इतने सारे ब्यूटी पेजेंट कैसे जीत गई. कैसे? क्योंकि इनकी मम्मी ने इनके साथ कॉम्पीट नहीं किया. अगर बाई चांस कॉम्पिटिशन में ये होती ना, तो फिर तो यही जीतती. बात तो सही है सर, पर छोड़ो ना, हमें तो हमारी हीरोइन मिल गई ना. हमें हमारी हीरोइन मिल गई, अपना म्यूजिक वीडियो भी हिट है, अपना एक्ट भी हिट है. आप लोग इतना बड़ा नाम बन गए हैं ना, कि बाहर आपकी फोटोकॉपीज घूम रहे हैं, आपके डुप्लीकेट्स घूम रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने ही डुप्लीकेट्स का, यानी कि मुबीन, करण बाही एंड नेहा पेन से जोरदार तालियां हो जाएं.